पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, कोई आ जाए। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप वीडियो और ऑडियो आप लोग के पास जा रहा होगा। बताइए। हाँ ठीक है, चलिए। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो गया क्लास स्टार्ट होने में। नाउ ऑल ऑल इज फाइन। ठीक है, तो आज इस रिवीजन क्लास 2 में हम लोग बेसिकली एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया एरिया जो है इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि क्लियर होना एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें को समझते हैं कि एरिया में अगर हम लोग को एरिया शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम सपोज मान लेते हैं कि सपोज मेरा एक कर्व है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा एक कर्व है। ठीक है, और इस कर्व के अंदर में हमको पॉइंट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए है और ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू बी है। ठीक है, x इज इक्वल टू बी है और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका बाई एक्सिस हो गया। दिस बाई एक्सिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर हमको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो बेसिकली हम फार्मूला क्या यूज करते हैं। फार्मूला हम लोग यूज करते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हुआ क्यों, इसको समझते हैं हम सबसे पहले, इसको कि ये चीज हम क्यों लिखे। तो देखिए, इधर अगर हम सपोज यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप बनाते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप बना रहे हैं, ये स्ट्रिप हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो हमको क्या मिलेगा। मतलब सिंपल सा स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो एरिया का देखिए, ये स्ट्रिप जो होगा बेसिकली ये एक रेक्टेंगल होगा, इस तरीके का होगा, इस तरीके का आपका रेक्टेंगल मिलेगा आपको। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ मान लेते हैं ये वाला लेंथ होगा आपका, ये वाला लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ आपका जो इस पॉइंट पे बाई का वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे जो बाई का वैल्यू होगा वही आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट पे जो बाई का वैल्यू होगा वही आपका लेंथ हो जाएगा। और ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ आपका इसका इसका जो विड्थ होगा वही आपका ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विड्थ जो है हम देख रहे हैं कि ये अगर मान लेते ये हम विड्थ लेते हैं तो इसका विड्थ निकालने के लिए हमको एक्स के पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब इस पॉइंट का एक्स और इस पॉइंट का एक्स दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको इसका चौड़ाई या विड्थ हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंस ये आपका बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप होगा तो इसका जो चौड़ाई होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस स्मॉल चौड़ाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। डीएक्स इसलिए क्योंकि एक्स में चेंज हमको लेना है, किसमें चेंज लेना है हमको, एक्स में चेंज लेना है, इसलिए हम इसके विड्थ को क्या लिखेंगे, डीएक्स लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका बाई, तो बाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, है ना,
बाई इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली एफ ऑफ एक्स, मतलब इस स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स लिखेंगे, क्लियर। और कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, तो हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी, क्लियर। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा, क्लियर। नाउ अगर सपोज इसी में हम लोग का कुछ इस तरीके का अगर फिगर होता, सपोज ऐसा होता, ठीक है, और यहां पे जो एरिया फाइंड आउट करना होता, एरिया हमको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फाइंड आउट करना होता, ठीक है, ये इस रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फिर से क्या लेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, और स्मॉल स्ट्रिप लेकर के फिर हम टोटल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू मान लेते फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये आपका वाई इज इक्वल टू ए से वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप हम लेंगे, ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रिप लिए और इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हम फाइंड आउट पहले करेंगे, क्लियर। तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया यहाँ पे कितना होगा, ये स्ट्रिप है आपका, ठीक है, ये स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का लंबाई, ये लंबाई और ये आपका चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई आपका क्या होगा, ये लंबाई आपका इस पॉइंट पे जो एक्स होगा, एक्स का जो वैल्यू, देखिए यहाँ पे अगर हम वर्टिकल एक्स दें यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक्स लिखेंगे एक्स, ठीक है, इस पॉइंट पे जो भी एक्स होगा, और इन टू चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई आपका ये वाला होगा। तो ये चौड़ाई हमको कैसे मिलेगा, ये चौड़ाई हमको जब बाई के पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेंगे तो हमको ये चौड़ाई मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि ये आपका चौड़ाई है, ये आपका चौड़ाई है, तो इस पॉइंट का बाई और माइनस इस पॉइंट का बाई, ठीक है, दोनों पॉइंट के बाई का जब डिफरेंस लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, चौड़ाई मिल जाएगा। मतलब बाई का डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी बाई, क्यों, क्योंकि ये चौड़ाई क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा स्मॉल स्ट्रिप का, एक्स इंटू डी बाई, एक्स इंटू डी बाई। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स था यहाँ पे, लेकिन क्या मिला, एक्स इंटू डी बाई मिला। तो देखिए फंक्शन मेरा क्या है, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, मतलब बाई एक्स का फंक्शन है और हम बोल सकते हैं एक्स बाई का फंक्शन है, ठीक। तो यहां से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स को रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ बाई, तो एक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ बाई, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई। नाउ इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ में, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एफ ऑफ बाई इन टू डी बाई, ठीक है, ये आपको इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये आपका बाई है, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे भी तो बाई होना चाहिए ना, यहाँ पे एक्स रहने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाले में यहाँ पे डीएक्स था, तो यहाँ पे फंक्शन किसका रखे हम लोग, एक्स का फंक्शन रखे, तभी तो हम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स को रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ बाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बाई, ठीक है, और उसके बाद बाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमको अगर टोटल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, हम टोटल का एरिया फाइंड आउट करना होगा एफ ऑफ बाई इंटू डी बाई फ्रॉम बाई इज इक्वल टू ए टू बाई इज इक्वल टू बी। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे लिमिट आपका उसी का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट भी हम किसका रखेंगे, बाई का ही रखेंगे, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट किसका रखेंगे, x के लिमिट, x का ही लिमिट रखेंगे, x x इजिकल टू a से x इजिकल टू b तक। बस आपको इसी दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, दो फॉर्मूला को याद ध्यान में रखना है, और इसके बाद आप सारा प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लास में डिस्कस किया था, डायरेक्टली मैं उस पे आता हूँ, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस बुक के क्वेश्चन के थ्रू ही आप इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आप लोग को जितना सारा डाउट्स है मैं आपको उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला है दैट इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ठीक है। यहाँ पे कि कभी भी कहीं पे स्ट्रिप लेकर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप लेने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पे। एग्जाम्पल नंबर वन पे सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन 2y + x = 8। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिया है, ठीक है, तो ये लाइन को सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस लाइन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। बिना ग्राफ बनाए आप एरिया का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहें सर इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, 2y + x = 8 स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा और जूम करें, अच्छा ठीक है। चलिए अब ठीक है, दिख रहा है सबको, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए दिख रहा है सबको। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको दो पॉइंट लेना पड़ेगा। तो वो दो पॉइंट हम कौन सा लेंगे, तो एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस का लेंगे, एक पॉइंट हम वाई एक्सिस का लेंगे। तो उस एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो बाई पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बाई सॉरी बाई इजिकल टू जीरो पुट कर देंगे। तो बाई इजिकल टू जीरो जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इजिकल टू 8। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को एक्स इजिकल टू 8 पे कट करेगा, ठीक। मतलब ये जो पॉइंट आपका दिखाया गया है ना बुक में, ये पॉइंट बेसिकली क्या है, 8,0 है, 8,0, ठीक। सिमिलरली एक पॉइंट आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट हमको बाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। तो बाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस बाई एक्सिस पे एक्स इजिकल टू 0 होता है तो एक्स इजिकल टू 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में एक्स इजिकल टू 0 जब पुट करेंगे तो बाई क्या मिलेगा, बाई इजिकल टू 8/2 मतलब 4 मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू कितना होगा, 4। क्लियर? तो ये दो पॉइंट मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला करके स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या देखना है कि एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस लाइन द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इजिकल टू 2 एंड एक्स इजिकल टू 4। तो हम आपको बताए थे कि एक्स इजिकल टू 2 लाइन क्या होता है, एक्स इजिकल टू 4 लाइन क्या होता है। देखिएगा मान लेते हैं कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू 2 मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट आपका एक्स इजिकल टू 2 होता है ना, यहाँ पे पॉइंट आपका क्या होता है, एक्स इजिकल टू 2 होता है, ठीक। तो ये आपका एक्स इजिकल टू 2 हो गया। तो इस एक्स इजिकल टू 2 पॉइंट से वर्टिकल जो लाइन हम खींचेंगे, तो
यही यही जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू होगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं पीएल, पीएल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये पीएल लाइन बेसिकली क्या है, एक्स इक्वल टू टू का लाइन है। ठीक है, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर तो ये आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू टू वाला लाइन। ठीक है, सिमिलरली एक्स इक्वल टू फोर का लाइन क्या मिलेगा, देखिए एक्स इक्वल टू फोर का लाइन आपको ये वाला मिलेगा। अब ये जो चारों पॉइंट, चारों जो हम लाइन देख रहे हैं, उस चारों लाइन के बीच में जो एरिया मिलेगा, उसी एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा है, एक ये लाइन हो गया, लाइन ए बी हो गया आपका, उसके बाद एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस आपका ये वाला है। ठीक है, देन एक्स इजिकल टू टू एंड एक्स इजिकल टू फोर, एक्स इजिकल टू टू आपका ये वाला है, एक्स इजिकल टू फोर आपका ये वाला है। मतलब इस शेडेड रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिप हम क्या लेंगे, वर्टिकल, स्ट्रिप हम क्या लेंगे, वर्टिकल। क्लियर, ये वर्टिकल हम स्ट्रिप लेंगे। ठीक, और इस स्ट्रिप का एरिया हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बताइए, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब बाई इनटू डीएक्स, और बाई मतलब क्या, बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो बाई को एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इनटू डीएक्स। क्लियर, तो बाई इसका वैल्यू, बाई यहां पर का जो बाई होगा वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक, तो बाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे निकाला है बाई इज इक्वल टू फोर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, ये आपका बाई हो गया। ठीक, और हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक, और इंटू डी एक्स, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या मिल जाएगा, इस स्ट्रिप का हमको एरिया मिल जाएगा फोर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू से एक्स इज इक्वल टू फोर तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, आप बोले सर होराइजेंटल ले सकते हैं या नहीं, देखिए इधर होराइजेंटल ले सकते हैं या नहीं, एक मिनट मैं आप लोगों को समझाता हूँ होराइजेंटल लेकर के। ठीक है, ये आपको समझ, क्योंकि दिक्कत होता है आप लोगों को कहाँ पे, कि सर हॉरिजॉन्टल ले या वर्टिकल ले, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल कहाँ पे ले सकते हैं, एक आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ले सकते हैं, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिप, ये स्ट्रिप आप एक ले सकते हैं, दूसरा स्ट्रिप आप ये भी ले सकते हैं, ये स्ट्रिप भी आप ले सकते हैं। सर दोनों स्ट्रिप में क्या डिफरेंस है, दोनों स्ट्रिप में डिफरेंस ये है कि एक स्ट्रिप का जो ये वाला पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है वो लाइन पी क्यू पे लाई कर रहा है, लाइन पी क्यू पे लाई कर रहा है, और दूसरा स्ट्रिप का जो ये वाला पॉइंट है वो लाइन एम क्यू पे लाई कर रहा है, लाइन क्या हो रहा है, एम क्यू पे लाई कर रहा है। तो दोनों स्ट्रिप का जो एक राइट साइडेड, राइट मोस्ट पॉइंट जो है आपका, वो एक लाइन पी क्यू पे लाई कर रहा है और दूसरा लाइन एम क्यू पे लाई कर रहा है, मतलब दो डिफरेंट लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर हमको, अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, तो इस पूरे एरिया को दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेक्शन देखिए आपका ये ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ट्रायंगल एम है सपोज, ये पॉइंट आपका एम है, तो एक ट्रायंगल आपका बनेगा पी एम क्यू। ठीक है, एक बनेगा पी एम क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टेकिंग अपर स्ट्रिप। ठीक है, इस स्ट्रिप का लेकर के हमको एरिया मिलेगा ट्रायंगल पी एम क्यू का, ट्रायंगल पी एम क्यू का एरिया मिलेगा। ठीक, और नीचे वाला जो हम स्ट्रिप लेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, एम क्यू, सॉरी एम एम दोनों एक जगह पॉइंट हो गया, चलिए जेड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जेड ले लेते हैं, तो एम के बदले जेड, पी जेड क्यू। तो दूसरा एरिया जो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेक्टेंगल का, वो होगा आपका जेड क्यू एम एल, जेड क्यू एम एल, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको नीचे वाला स्ट्रिप लेना पड़ेगा।
तो आप यहाँ पे समझे कि अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे हमको दो स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका दोनों का अलग अलग लिमिट होगा। ठीक, तो इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना है। लेकिन अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो आपका एक सिंगल स्ट्रिप से आपका टोटल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको वर्टिकल स्ट्रिप लेने में ज्यादा सुविधा होगा या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में ज्यादा सुविधा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेते हैं तो भी हमको दो स्ट्रिप लेना पड़ रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो भी हमको दो स्ट्रिप लेना पड़ रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे देखिए, इसमें अगर हम देखें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट लेकर के हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अगर सपोज इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, सबसे पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप सबसे पहला स्ट्रिप हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये स्ट्रिप बना रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप हम बना रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये आपको जो मिलेगा सेटेड, ये स्ट्रिप जो आपको मिलेगा ये एक आपका स्ट्रिप ये होगा। इस स्ट्रिप को हम कहां से कहां तक चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट ए से लेकर के, इस पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट जो आपका है, स्ट्रिप का अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट जो है वो सेम सेम लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब अपर पॉइंट सेम लाइन पे है और लोअर पॉइंट भी आपका सेम लाइन पे है। लेकिन इसके बाद अगर बी पॉइंट के राइट अगर हम जाते हैं तो हम ये दूसरा स्ट्रिप हमको चाहिए होगा। और क्यों? क्योंकि इस केस में आपका बाई वाला पॉइंट जो है आपका चेंज हो गया, बाई वाला पॉइंट क्या हो गया आपका चेंज हो गया। ठीक, बाई वाला पॉइंट आपका चेंज हो गया, तो बाई वाला पॉइंट अगर चेंज हो जाएगा तब आप उस केस में आपको दूसरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। क्लियर, तो एक स्ट्रिप आपका ये वाला होगा जिसको कि हम कहां से कहां तक वैरी करेंगे, इस एल से लेकर के एम तक वैरी करेंगे, मतलब इस पॉइंट का एक्स कितना है, इस पॉइंट का एक्स आपका टू है और एम पॉइंट का आपका एक्स कितना है, फोर है, तो इसका हम एक्स इक्वल टू फोर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन का बाई, ए बी लाइन का बाई और माइनस ए सी लाइन का बाई, है ना, ए बी लाइन का बाई माइनस ए सी लाइन का बाई। कि सर ए बी लाइन का बाई कैसे मिलेगा हमको, ए बी लाइन का बाई कैसे मिलेगा और ए सी लाइन का बाई हमको कैसे मिलेगा, तो सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ए बी लाइन का क्या मिलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ए सी लाइन का भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए बी लाइन का इक्वेशन लिखा है, दो पॉइंट गिवन होता है तो आप जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है बाई माइनस बाई वन अपन बाई वन माइनस बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। और ए सी लाइन का इक्वेशन क्या है, ए सी लाइन का इक्वेशन देखिए ये है बाई इज इक्वल टू दिस, तो दोनों बाई को माइनस कर देंगे तो इस स्ट्रिप का हमको लेंथ मिल जाएगा। ठीक, और वेट क्या होगा बताइए, इसका विड्थ क्या होगा, विड्थ इसका क्या क्या होगा, इसका विड्थ बताइए, इसका विड्थ क्या होगा, इसका विड्थ आपका क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। ठीक, तो स्ट्रिप का जो एरिया मिलेगा हमको वो मिलेगा बाई ए बी बाई ए